हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अनिल टॉप स्टडी में। आज हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी रिवाइज रिजल्ट 2022। यहाँ पर कितना कटअप कम हो सकता है रिवाइज रिजल्ट आने के बाद, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और पहले 3,84,000 समथिंग रिजल्ट दिया गया था और अब 7 लाख प्लस रिजल्ट दिया जाएगा, मतलब कि टोटल वैकेंसी 35,277 का 20 गुना एग्जैक्ट कैंडिडेट को दिया जाएगा। तो ये किस प्रकार दिया जाएगा और कितने कटअप में अंतर आ सकते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इससे पहले जो भी हमारे चैनल में नए हैं, वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम लोग यहाँ बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी रिवाइज रिजल्ट 2022। तो आप सभी को बता दें कि 7 लाख प्लस रिजल्ट दिया जाएगा इसमें, और लगभग 3,24,000 कैंडिडेट को जोड़ा जाएगा। तो ये जाहिर सी बात है कि यहाँ पर कटअप डिक्रीज होगा। तो कटअप कितना डिक्रीज होगा, तो जिस कैंडिडेट का 2 से लेकर 5 मार्क्स तक नंबर कम है अभी कटअप से, नॉर्मलाइज मार्क्स, तो उसका इस 3,24,000 में होने का बहुत संभावना है। और इसका जो कटअप जाएगा वो लेवल वाइज ही आएगा, क्योंकि इसका लेवल वाइज ही कटअप दिया गया है। तो उसी लेवल वाइज में अगर 20 गुना दिया है तो उसमें और कैंडिडेट की संख्या अधिक हो जाएगा। तो इसे अनुमान लगा सकते हैं कि और एक बात कि यहाँ पर प्रत्येक जोन में वेरी करेगा। किसी जोन में 2 नंबर, तो किसी में 3, किसी में 4, किसी में 5 नंबर तक कटअप डिक्रीज हो सकते हैं। तो आप सभी देख लीजिए कि आप किस किस जोन में आते हैं। और बहुत सारे यूट्यूबर अगर बता रहे हैं आपको कि इसका कटअप जो आएगा वो एक कटअप आएगा 12th और ग्रेजुएशन दोनों का, 12th एंड ग्रेजुएशन दोनों को मिला के, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि रेलवे बोर्ड द्वारा और रेल मिनिस्टर द्वारा ये आप सभी को स्पष्ट किया गया है कि इसका जो कटअप आएगा वो लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 और लेवल 6, ये सब लेवल वाइज ही आएगा। लेकिन यहाँ पर जो कैंडिडेट की संख्या है वो आपका 20 गुना होगा टोटल वैकेंसी का। तो यहाँ पर आपका कंपटीशन टफ होने वाला है। तो आपको, आप देख लीजिए कि आप किस जोन में हैं और आपका मार्क्स कितना बन रहा है। 1-2 नंबर वाले के तो 100% चांस है कि उसका हो जाएगा। तो आप लोग निश्चित रहिए कि जिसका 2 नंबर 1 नंबर है वो उसका ज़रूर हो जाएगा। लेकिन मैक्सिमम 5 नंबर तक डिक्रीज होने की संभावना है। ऐसा नहीं है कि सभी जोन में ऐसा हो सकता है, लेकिन कुछ कुछ जोन में वेरी करेगा। तो आप लोग कमेंट में ये ज़रूर लिखिए कि आपका सिलेक्शन फर्स्ट रिजल्ट में हो गया है, या फिर आप लोग रिवाइज रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। और अगर आप रिवाइज रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं फिर भी आपको एनटीपीसी CBT 2 का तैयारी करना चाहिए, क्योंकि इसका रिजल्ट आने के बाद आपको 15 से 20 दिन का ही समय मिलने वाला है। और अगर आप अभी से ही तैयारी नहीं करेंगे तो आपका रिजल्ट नहीं होगा, क्योंकि इस बार कंपटीशन टफ होने वाला है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि कितना हाई कटअप 90+ तक चला गया है, इसीलिए आप सभी को अभी से ही एनटीपीसी का तैयारी शुरू कर देना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।